महाराष्ट्र में सियासी घमासान। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों को सही साबित करने के लिए जारी किए गए सबूत चैट के रूप में सामने आए। परमबीर सिंह और सोशल सर्विस ब्रांच के एसीपी संजय पाटिल की बातचीत चैट में आई सामने, जिसमें अनिल देशमुख और वाझे की मुलाकात का जिक्र। पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों के बाद देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मांगा इस्तीफा, लेकिन महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय ने परमवीर सिंह के पत्र पर कहा कि आधिकारिक ईमेल आईडी से नहीं हुआ प्राप्त, ना ही उस पर कोई हस्ताक्षर। शिवसेना सांसद संजय राउत ने शायराना अंदाज में किया ट्वीट। संजय राउत ने गीतकार जावेद अख्तर की एक शायरी को ट्वीट करते हुए लिखा, शुभ प्रभात, हमको तो बस तलाश नए रास्तों की है, हम हैं मुसाफिर ऐसी जो मंजिल से आए हैं। संजय राउत की शायरी ट्वीट का शायराना अंदाज में बीजेपी नेता व पार्टी के प्रवक्ता राम कदम ने शायराना अंदाज में दिया जवाब, मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। मेरी टूटी किस्मत तेरी रीत निराली, ओ छलिए को छलने वाली, फूल खिला तो टूटी डाली, जिसे उल्फत समझ बैठा, क्यों मेरी नज़रों का धोखा था। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर सख्त हुई सरकार। शुक्रवार के रिकॉर्ड 1140 नए मरीज मिलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी आदेशों में अगले आदेश तक इंदौर, भोपाल और जबलपुर में हर रविवार को लॉकडाउन किया गया लागू। हर शनिवार को रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा लागू। चीनी वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना पॉजिटिव हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के जल्द स्वास्थ्य होने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कामना की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड 19 से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर दिए आदेश। कहा, बिहार में बंद नहीं होंगे स्कूल और कॉलेज, बच्चों की पढ़ाई रहेगी जारी, होली के मौके पर बाहर से आने वालों की होगी कोरोना जाँच। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर। विधानसभा चुनाव के लिए वाम मोर्चा ने शनिवार को जारी किया घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में राज्य में कानून के शासन को बहाल करने का किया वादा। कहा, अगर सत्ता में आते हैं तो यहां पर नहीं लागू होने देंगे नागरिकता संशोधन कानून। महाराष्ट्र के मुंबई के वसूली कांड में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का भी ट्वीट आया सामने। ट्वीट कर सरकार को चेताया और कहा कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, बादशाह को बचाने में कितनों की जान जाएगी। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 43,000 से ज़्यादा मामले आए सामने। इस दौरान करीब 200 लोगों की हो चुकी है मौत।